everyone, welcome to Info Day technical classes and good morning to all of you. Daily का daily हम लोग current affairs plus static GK के most important questions करते हैं, तो आज की class भी हम current plus static को cover करने वाले हैं, ठीक है? इससे पहले ये हमारा एक info workshop calculation का complete batch है, जहाँ आपको पूरे batch में मतलब कंप्लीट वर्कशॉप कैलकुलेशन कराई जाएगी. फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के सारे मिमी पैटर्न क्वेश्चन से क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, ठीक है? ज्वाइन करने के लिए इन्फो ट्रेड एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर जाकर ये ज्वाइन होगा. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है, ठीक. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने की हाल ही में ट्रैप डोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोडोटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया. यहाँ देखो सबसे बड़ा अब तक का ट्रैप डोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म क्या नाम है, मेगा मोनोडोटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया. तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा. हाल फिलहाल रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जितने ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे यहाँ पर ऐड करें. जैसे कि आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. इस टाइम पर अभी रिसेंटली में भारत चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है और विश्व में जीवित परिजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया. तो जो रिसेंटली हमारे ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैनबरा. ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या होगी, ऑस्ट्रेलियन रुपया. आओ विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन डिड वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड. 17 मई. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विश्व रक्तचाप दिवस, ठीक है? यहाँ पर कुछ और देखो, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई करके याद रखेंगे, 1 मई. विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करेंगे तो 8 मई. मोस्ट इम्पोर्टेंट और माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई. और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई, ठीक. तो ये सारे के सारे याद रखेंगे, जैसे कि श्रमिक दिवस 1 मई को, रेड क्रॉस 8 मई, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, और अजता विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमारा मनाया जाता है 31 मई. मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? सारे के सारे इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया. तो यहाँ आप देख सकते हैं संकल्प सप्ताह, सबकी आकांक्षाएं सबका विकास, ये स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी और इन्हें किस फील्ड में मिला था. कई सारे क्वेश्चन अकेले से बन जाते हैं. 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, मैरी क्यूरी करके याद रखेंगे. देखो यहाँ पर आ जाओ, वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी मैरी क्यूरी थी. उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए मिला, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए प्रदान किया गया. और इन्होंने ही 1911 में शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए भी रसायन का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है. तो दो नोबेल पुरस्कार, एक तो भौतिकी का, दूसरा रसायन का. और ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वह एकमात्र महिला कौन है जो एक दो नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है. तो दो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो सक्रियता फिजिक्स के में और रसायन विज्ञान का, रसायन के शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया. दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी करके याद रखेंगे, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में बनता है, रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट टॉप, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया. रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन
ये क्या गया है, तेलंगाना में 800 मेगावाट की है। तेलंगाना की कैपिटल क्या होगी, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, सीएम हो जाते हैं के चंद्रशेखर राव करके याद रखेंगे। और देख लो पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। जस्ट अभी रिसेंटली क्वेश्चन था ये हमारा, कौन सा ऐसा गांव है जहां पे, तो तेलंगाना के पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की। कार्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। तो रिसेंटली तेलंगाना से इन तीन क्वेश्चंस को भी पढ़कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और उसका त्योहार आपस में सही मेल नहीं खाता है। क्या आप सब जानते हैं गुड़ी पड़वा कहाँ का है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, बिल्कुल ठीक। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस फेस्टिवल दुर्गा पूजा, ठीक है। छठ पूजा सब जानते हो कहाँ की है, बिहार की। लेकिन बैसाखी उत्तर प्रदेश का नहीं है, बैसाखी उत्तर प्रदेश का ना होकर के बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, पंजाब में। पंजाब का है बैसाखी। यही आपसे पूछा है कौन सा राज्य युग्म त्योहार सही नहीं है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी पंजाब, छठ पूजा बिहार और दुर्गा पूजा जाती है पश्चिम बंगाल। तो ये इनका सही क्रम रहने वाला है। ओके आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए। देखो अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू होने वाला है भारत और किसके मध्य, अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास 2023 अलास्का में। एक तरफ आप देख सकते हो एक तरफ अमेरिका का तिरंगा, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इंडिया का है, एक तरफ अमेरिका का है। तो भारत और अमेरिका के मध्य शुरू होगा अलास्का 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखो भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित, सनातन धर्म दिवस बनाया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत महा घोषित किया है। और अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकन का निधन हुआ। तो कंप्लीट यहाँ पे देखो हर कोई भी अगर अमेरिका आता है तो उसके रिलेटेड में जितनी करंट चल रही है उनके बारे में एक बार पढ़ के जाएंगे। जैसे कि भारत के बाहर अगर पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा, अमेरिका ने अभी सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को घोषित किया है और जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत महा घोषित किया। अमेरिका के एक ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकन का हाल फिलहाल में निधन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। हम सब जानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और एक आता है यमुनोत्री, जो भारत के 4 धाम माने जाते हैं। लेकिन वैष्णो देवी अभी 4 धाम में शामिल नहीं है, ठीक है। वैष्णो देवी अलग हो जाता है और 4 धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आएगा, ठीक। आओ यहाँ पे उत्तर भारत के 4 धामों का क्रम इस प्रकार है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इनमें से बद्रीनाथ भारत के आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के 4 धामों में से प्रमुख धाम है, जो सबसे उत्तर में स्थित है। ध्यातव्य है कि इन 4 स्थलों को अपनी अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं। 4 धाम भारत के 4 धार्मिक स्थलों का एक समूह है। ये धाम का पुरी, रामेश्वरम, द्वारका तथा बद्रीनाथ, इन 4 धामों को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया तथा वैष्णो देवी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। 4 नाम याद रखेंगे, बार बार बनता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और एक आ जाएगा यमुनोत्री करके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, ईरान, पाकिस्तान, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद मोइजू रिसेंटली कहां के, मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। मालदीव के, मालदीव की कैपिटल क्या हो जाएगी, माले।
मालदीव की कैपिटल हो जाएगी माले और इसकी करेंसी बताओ क्या होगी। ठीक है, मालदीव ये रुपया ही होगी। ठीक, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। मालदीव की बात, एशिया सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की सातवीं गिफ्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौवटिया में हुआ। ठीक है, किन लोगों के बीच के बीच? भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य सुरक्षा बल एक्स एक्वाबेरिन, डायरेक्ट पूछा जाएगा एक्स एक्वाबेरिन किन दो देशों के मध्य होने वाला एक्सरसाइज, तो बात करेंगे भारत और मालदीव के मध्य। भारत मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मालदीव की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कंप्लीट ये भारत मालदीव से रिलेटेड जितने भी फैक्ट निकल कर आते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आओ, चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? तो पटचित्र शैली, मैंने कहा पटचित्र, पट किसके सुनते थे? उड़ीसा, ओडिशा, उड़ीसा करके याद रखेंगे। पटचित्र किसके हैं? उड़ीसा के, उड़ीसा की है पटचित्र शैली। ठीक है, चित्रकारी की पटचित्र शैली उड़ीसा राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। मधुबनी, मधुबनी कहाँ की है? बिहार की पेंटिंग है। निर्मल चित्रकारी तेलंगाना की पेंटिंग है। ठीक है, तो पटचित्र उड़ीसा, मधुबनी बिहार, निर्मल पेंटिंग हमारे पास आ जाएगा तेलंगाना की। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित की है? तो देखो, किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों को रहने के लिए एक कुशल वित्तीय सहायता वितरित की है? मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाती है? मणिपुर की कैपिटल और मणिपुर के सीएम क्या होंगे? मणिपुर की कैपिटल होगी इम्फाल करके और मणिपुर के सीएम हो जाएंगे एन वीरेंद्र सिंह करके, याद रखेंगे कैपिटल इम्फाल, सीएम हो जाएंगे एन वीरेंद्र सिंह। ठीक है, आ जाओ, मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, खोंगजोंग दिवस कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थंडी सांस्कृतिक उत्सव का भी आयोजन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 5 दिवसीय यांगचांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके दिवस और उत्सव पूछे जाएंगे, जैसे खोंगजोंग दिवस कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने थुन हुंडी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 5 दिवसीय यांगचांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, इतना आपको मणिपुर के बारे में पता करना है। हाँ बिल्कुल ठीक, अगर हाँ बिल्कुल, अगर ये राहत वित्तीय, देखो इसमें क्या होगा कि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता उन लोगों को मिलेगी जिनके पास श्रम कार्ड है और इसमें पर मंथ के हिसाब से आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन श्रम कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक प्रख्यात भारतीय चित्रकार है जिन्हें कभी कभी भारत की फ्रीदा कहलो भी कहा जाता है? भारत की फ्रीदा कहलो किसे कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन से बताओ कौन किससे संबंधित है। सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, भीमसेन जोशी, अमृता शेरगिल। तो देखो, भारत की फ्रीदा कहलो कहा जाता है अमृता शेरगिल को। ये आपके सामने है अमृता शेरगिल, जिन्हें भारत की फ्रीदा कहलो भी कहा जाता है। यहाँ पर आ जाओ, सोनल मानसिंह एक शास्त्रीय नर्तकी है, उड़ीसी नर्तकी। ठीक है, शोभना नारायण का संबंध भी शास्त्रीय नर्तकी कथक से संबंध है। भीमसेन जोशी कौन है? जोशी शास्त्रीय गायक है। और अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं जिन्हें भारत की फ्रीदा कहलो भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की फ्रीदा कहलो किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे अमृता शेरगिल को भारत की फ्रीदा कहलो कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आओ, हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है?
तो किस देश ने जीती है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, इनमें से कोई। तो सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप हाल ही में भारत ने जीती है, और सिर्फ एक बार नहीं, तीनों में अपने आया, जैसे कि T20 हो गया, T20 वनडे, टेस्ट मैच, तीनों में टॉप पर रहा है और भारत अपना। ठीक है, आओ भारत से रिलेटेड बात कर लेते हैं। भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर आया। तीनों फॉर्मेट यही आ गया, वनडे, T20, टेस्ट मैच, तीनों में नंबर 1 पर है। भारत लगातार 6 महीने उभरते बाजारों में भी शीर्ष पर रहा है, और वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया, और ग्लो भारत ग्लोबल इंडिया 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। तो कंप्लीट इतनी न्यूज आपको अपने इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ओके, आज के लिए कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ये इन्फो ट्रेड एप्लीकेशन ऐप पर बैच है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का। ठीक है, कंप्लीट 2 बुक्स होती है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की, दोनों आपको कंप्लीट कराई जा रही है बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्फो ट्रेड एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, उसके बाद ये स्क्रीन पर नीचे नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपको बैच चाहिए तो आपको थंबनेल पर भी नंबर शो होगा, वहां भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे मतलब इसमें क्या मैसेजेस, तो सबसे काम से रिलेटेड ही आप बात करेंगे, और कॉल रिसीव ना हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, सेम टाइम। ओके, जय हिंद, जय भारत।